यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और प्रशासन अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही। जिला अधिकारी ने बता दें कि जिले में टॉप 10 अपराधी को तस्करी, लूट, डकैती और अन्य संगीन आरोपी में शामिल अपराधी की संपत्ति सील कर कुर करवाई है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के कस्बा गुलावठी क्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ ही तहसीलदार प्रशासन 6 अपराधियों से 83 लाख रुपए संपत्ति अस्थायी रूप से कुर कर सील कर दी गई है। जहां पर खुर्जा में टॉप 10 अपराधी काशिम 1 करोड़ की संपत्ति सील कर दी गई है, जिसके दौरान पुलिस ने ढोल बजाकर लाउडस्पीकर से मुनादी कर अपराधियों से संपत्ति द्वारा की गई कुर कार्रवाई के बारे में लोगों को बताया, उन्हें अपराध और गैर कानूनी कार्य न करने के लिए समझाया। आज थाना गुलावटी में 6 शातिर अभ्यस्त गुरुबंद अधिनियम के अपराधी, जो कि अभ्यस्त गोकश हैं व अन्य अपराधों में भी संलिप्त रहते हैं, इनकी संपत्ति को 14A गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया है। इनकी कुल संपत्ति 83,39,999 रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये शातिर गोकश हैं और जनपद के रजिस्टर्ड गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इसमें कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग वांछित चल रहे हैं, जिनकी तलाश करी जा रही है, अग्निविधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, किन के आदेश पर कार्रवाई की गई है? यह जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई है।